खबर कठुमर से पंचायत समिति प्रांगण में जागरूकता शिविर का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, राजस्थान एससी आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा के मुख्य आतिथ्य में अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग द्वारा कठुमर पंचायत समिति प्रांगण में समारोह पूर्वक शिविर का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता टाइगर फोर्स के अध्यक्ष ब्रजेश मिल्की ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजस्थान एससी आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा का जन्मदिन स्वागत अभिनंदन के साथ केक कटवाकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा ने राज्य सरकार की योजनाओं का पोस्टर का विमोचन किया और राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार विरोधी मानव अधिकार परिषद द्वारा आगंतुक अतिथियों पर पुष्प बरसा कर स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर एससी आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा ने शिविर के उद्देश्य पर बोलते हुए कहा कि गरीब वंचित शोषित लोगों की सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है और मैं सेवा करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि कठुमर क्षेत्र का विकास कराना मेरी प्राथमिकता है और बताया कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं का लाभ एससी एसटी ओबीसी विकलांग और सफाई करने वाले लोगों तक पहुंचे। उन्होंने इन सभी वर्गों के लोगों को राज्य सरकार की योजना के तहत कम दर पर लोन लेने के लिए प्रेरित किया। आयोग के उपाध्यक्ष की निजी सचिव फतेह सिंह ने बताया कि शिविर के दौरान मुख्य अतिथि राजस्थान एससी आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिस पर आयोग के उपाध्यक्ष बैरवा ने सभी का अभिवादन कर धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान कठुमर महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पा चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज अफरीदी, प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव चंद्रावत, पंचायत समिति सदस्य पीकू शर्मा, सरपंच संघ के अध्यक्ष जोरमल जाटव, मानसिंह सरपंच, हरिओम गुजर सरपंच, पूर्व सरपंच रविंदर जाटव, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष शिवो गुजर कठुमर, फेडली ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष कैलाश मीणा, जयराम बैरवा बतौर अतिथि सहित मौजूद रहे।